ये साफ पानी रेफरेंस केस के अंदर ज्यादा साफ पानी दे दिया है। बंदे ने फाड़ लेना ठीक है, बस इन फाड़ लेना, इन्हें साड़ी जान खा दी ये। है अच्छू तुरा लिखे है, काका टिड पाटा लिखे है, बिल्लू छुरी लिखे है, राजू ब्लेड लिखे है, नाम चेंज हो गए, बंदे ही नहीं सन नाल। अपनी फीसें पूरी नहीं होती, इतनी महंगाई हो गई है तो वो किस्तों पे बाल के देर लगा देंगे। इधर हो जाए टायर ना फांसी ना ला लेना। बस इसी दौरान बस इमरान खान अंदर करते वो निकाल देते, इसी दरमियान में गरीब तबाह हो गया। गरीब तबाह, हाँ ये सब झूठ है, सब झूठ है। हाँ जी ये सब झूठ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससरा। नाजरीन, शहबाज शरीफ जो कि नून लीग के सदर हैं, उनके दामाद और उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया सिर्फ साफ पानी रेफरेंस के चक्कर में, और ट्रायल का भी हुक्म दे दिया है। उनके साथ छह बंदे और गिरफ्तार किए थे लेकिन वो छह बंदे बरी हो गए हैं। क्या ये दामाद और बेटी भी बरी हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? जिस तरह के शहबाज शरीफ पर भी बड़े केस थे, नवाज शरीफ साहब पर भी हैं, पूरी ये अपोजिशन पे बड़े केसेस हैं लेकिन ये सारे बरी होते गए हैं। क्या दामाद और बेटी अब बरी होगी या नहीं होगी? शहबाज शरीफ साहब तो बड़ी टेंशन में है, लोगों से बात करते हैं, लोगों का क्या कहना? मेरे साथ रहिए। क्या कहते हैं ये शहबाज शरीफ साहब की दामाद और बेटी को गिरफ्तार कर लिया और ट्रायल का हुक्म दे दिया है, किस खुशी में? ये साफ पानी रेफरेंस केस के अंदर ज्यादा साफ पानी दे दिया। हो सकता है कि पोता साफ देता है, इसको तो फाड़ लिया उन्होंने, हो सकता है। अच्छा, और छह बंदे और भी गिरफ्तार किए थे वो बरी। अच्छा। हो गए, और दामाद और बेटी को बरी नहीं किया शहबाज शरीफ के। हाँ, शहबाज शरीफ के। तो वो जितने बड़े लोग हैं उनको टाइम लगेगा बरी करने में। बरी करने में टाइम लगेगा, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए अब क्या करती है गवर्नमेंट। नहीं, फिर भी आप क्या समझते हैं कि भी ये जो आगे भी बड़ी दफा गिरफ्तारियां हुई हैं, बड़े लोग पकड़े गए, छूट गए? नॉर्मली तो ये है कि कानून गरीब के लिए है, बड़े के लिए नहीं है। यहाँ उल्टा हो रहा है। उल्टा ऐसा क्यों? बिल्कुल मेरा आपसे सवाल, ऐसा क्यों है मेरे भाई? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है मेरे भाई? ऐसा क्यों है? तो बस कर रहा गरीब के साथ इंसान, ये वैसे ही आपको खुश कर रहा हूँ। शुक्रिया। तो क्या कहते हैं आप, फिर भी क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही है कि मुल्क के हालात को बेहतर किया जाए, क्योंकि काम बहुत खराब है। तुरियां छोड़े, आवाम की तरफ ध्यान भी दें। बिल्कुल ऐसे दोनों काम, मतलब ये दोनों काम साथ साथ करें, साथ करें, ये नहीं आवाम को भूल के उनके पीछे लगे हुए हैं। दोनों काम करने चाहिए, दोनों काम करने चाहिए, एक काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है, आ जाए मेरे साथ। मैं तो कहना फाड़ना चंगा है। अच्छा, हाँ ऐ बंदे ने फाड़ लेना ठीक है, बस इन फाड़ लेना, इन्हें साड़ी जान खा दी ये। नहीं तो शहबाज शरीफ साहब, ये क्या चक्कर है? पहले भी केसेस बड़े हुए और बरी होते रहे, हर केस से निकलते रहे ये। कुछ भी नहीं होना, उन्हें निकल ही आना है। निकल ही आना? हाँ सही गल, जिम्मे तुम निकल आए हो। वो भी निकल ही आने, निकल ही आने गए। घर से तुम इतने बिठा जाए, शाम को लै जाना होंगे। नहीं कहते नहीं जाते, वो कहता बिल्कुल एनजी इधर इधर भी लो इधर। आपको किसने कहा बरी हो गए हैं? अच्छा, छह बंदे बरी कर दिए सर? और नहीं जी, और नहीं, बेटी और दामाद को नहीं कर रहे, तड़वे लिस्ट की है। हां जी है, बहादुर नाम ना दे अपना, की नाम है तड़ा बहादुर है। ए तो है ही नहीं, ये छह बंदे लिस्ट ही नहीं की। मैं तो आज अच्छू तुरा लिखे है, काका टिड पाटा लिखे है, बिल्लू छुरी लिखे है, नाम चेंज, राजू ब्लेड लिखे है, नाम चेंज हो गए। बंदे ही नहीं सन नाल, ऐ ओ बंदे है गए ने जड़े उना दे मुलाजम से। अच्छा, जड़े मुलाजम से जिन्ना दे अकाउंट चो करोड़ों रुपया निकलया। करोड़ों रुपया जिनके बैंकों में, सही बात है। नहीं तो क्या बात है, ये शहबाज शरीफ फैमिली जो है, नवाज शरीफ फैमिली, इनके ऊपर बड़े केसेस हैं और हुकूमत जो है पड़ गई इनके पीछे, कभी इनके दामाद को, कभी बेटे को, कभी फलां को, और फिर बाहर भी आ जाते हैं ये। वो इसलिए कि इनके पास पैसा है। बिल्कुल सही है, पैसा है, पैसे से आप कुछ भी कर सकते हैं, पैसे से कुछ भी कर सकते। हाँ, तो ये इमरान खान ही चाहता कि हुकूमत दोबारा बना सके। बिल्कुल सही, ठीक है, इस वजह से ये वापस आ जाते हैं पैसा लगा के। तो बात ये है कि आप इतने लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा होगा वो सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आपके पास पैसा है? नहीं है, पैसा होता तो इधर होते हैं हम। बिल्कुल सही, हम भी सियासतदान होते हैं। बिल्कुल सही, नहीं अल्लाह माफी दे, सियासतदान जरूरी होता, बिजनेसमैन भी तो होता है। पैसा थोड़ा बहुत ही होगा, ये दुकान है।
अपनी जाती दुकान है? नहीं जी, रेंट पर है। रेंट पे है तो काम तो अपना है ना? हाँ जी, काम माशाल्लाह अपना है जी। अपना काम है, हलाल खा रहे हो? इंशाल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन दिखाओ ना, ढिड तो नहीं लग रहा तुझे हलाल खा रहे हो? खाते पीते ना, इसलिए खाते पीते। हाँ जी, खाते पीते घर दे नाल रहंदे हो? क्यों? जान के कि कुछ ना कुछ ते सुटणगे? नहीं। क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम क्या देना इनको, ये माशाल्लाह सब अकलमंद और सियाने, खुद समझदार हैं। ये सब सियाने हैं, अकलमंद हैं, इनको क्या पैगाम देना? थैंक यू वेरी मच सर। आए बरी तो हो जाएंगे, पाकिस्तान में हर कोई बरी होता है तो वो भी हो जाएंगे, उसमें कौन अंदर वो सड़ा है तो वो भी निकल जाएंगे। बिल्कुल सर, ये वो भी बरी हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, इनका कहना ही वो भी बरे हो जाएंगे। आप क्या कहते हैं जी? मेरे उसी बारे में कोई इलम नहीं है, हमें ज्यादा पता ही नहीं, वो गिरफ्तार हुए। आपसे सुन रहे हैं, आपसे सुन रहे हैं, ज्यादातर बिल्कुल सही है। यानी आपको ये इलम भी नहीं है कि वो गिरफ्तार हुए? बिल्कुल बिल्कुल सही, लेकिन मैंने आपके इलम में ले आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बिग भी अच्छी चीज लाना, किस्तों दिलवा लो बिग। वो क्या कहते, मुझे पंजाबी समझ में नहीं आ रहा, किस्तों पे बिग लगवा लो यहाँ। बिग का क्या मतलब? बिग बाल, अपनी फीसें पूरी नहीं होती, इतनी महंगाई हो गई है तो वो किस्तों पे बाल के दे लगा देंगे। चले, हुकूमत को पैगाम ये है कि वो करप्शन के वो एजेंडे पे आए थे, सबसे ज्यादा करप्शन हो रही है तो उसको थोड़ा खत्म करें और ये गरीबों को थोड़ा रिलीफ दे। वेरी गुड, करप्शन के एजेंडे पर आए थे और सबसे ज्यादा करप्शन हो रही है, इनका कहना। थैंक यू वेरी, इधर हो जा, टायर ना फांसी ना ला लेना। अमित है, अमित के बरी कर देंगे, उम्मीद है आपको। हाँ जी बिल्कुल सही है, आप उम्मीद रखते हैं कि बरी हो जाएगी? जी जी बिल्कुल। तो एक पैगाम दे दें जरा इंसाफ अदालत को, कहें कि जी बरी कर देने, बरी कर देंगे इंशाल्लाह, कर देंगे जी इंशाल्लाह। ऐसे तो मैटर नहीं करना, नहीं फिर भी जेन में तो आता है आपके कि बरी होंगे कि नहीं होंगे, पकड़ा क्यों? होना तो चाहिए, होना तो चाहिए उनको भी बरी। आप बिल्कुल सही है, जितने छह बंदे हो गए ना, ऐ भी कर दो बीच, ऐ तो नहीं होना फिर, ऐ नहीं जी होना, दमाद और बेटी नहीं होनी। देखो ना कितनी टेंशन है शहबाज शरीफ साहब नु, की कहंदे हो? बस इतना ही बड़ा, बस इतना ही बड़ा। ओके, बस एक तो हुकूमत का काम है, किसी को अंदर करते किसी को निकाल देते हैं, बस ख्याल क्या काम है साहब? बिल्कुल, यानी आप पता नहीं? जी जी पता, बिल्कुल सही बात है, यानी हुकूमत का काम है अंदर करते बाहर कर दो। आना एक मिनट, देखो ये नाजरीन फिर फ्रेम में आ गया है, हालांकि मैं फ्रेम बना चुका हूं इनका। अच्छा जी जी, तो ये क्या मसला, क्या मसला क्या है? बस इसी दौरान बस इमरान खान अंदर करते वो निकाल देते, इसी दरमियान में गरीब तबाह हो गया। गरीब तबाह, हाँ असल बात ये है, असल बात है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इंक्रीज हो रहा है। सही बात है, और इमरान खान की कोशिश है ये कि नहीं तो ये पानी का या जो है कैसी डाला है ये दामाद का और ये बेटी को जो गिरफ्तारी की है, ये उन लोगों का कड़ी लगा है। मेरा भाई, मेरा बात आप समझो ना, मेरा भाई मैं तो समझ रहा हूँ ना, और दोनों को बंद कर दिया जेल के अंदर, अच्छी बात तो नहीं है मेरा, एक ये अच्छा बात तो नहीं है ना मेरा, अच्छा बात तो नहीं, लेकिन बड़ी हो जाए नहीं हो, बस बरी हो जाए सही है, फिर फिर से बरी हो गए, फिर से अंदर हो जाएगा, बस यही इसी तरह सिलसिला बरी हो जाएगा, फिर अंदर इसी तरह सियासत चलता रहेगा। यानी आपका सेन ये कहते हैं कि वही ससुराल है और वही जरान, बस इसी तरह सियासत चल रहे बहुत अरसे से, बड़े अरसे से चल रहा। बिल्कुल ठीक बोल रहे, बिल्कुल। तो क्या पैगाम देगा आप? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आजकल मतलब इमरान खान जो भी कर रहे हैं ना, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इकोनॉमी है, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट को जो ख़त्म कर रहे हैं उसी तरह, तो इसी मतलब इमरान, मैं खुद इमरान खान के साथ हूँ और जो भी कर रहे हैं मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, अच्छा थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सब झूठ है, सब झूठ है। हाँ जी, ये सब झूठ है, ये लोग खुद गलत है तो उनको भी गलत कह रहे हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ बनाया पाकिस्तान के अंदर। इन लोगों ने वो टू वेल लगाए थे, उन लोगों ने अभी कहीं भी टू वेल भी नजर नहीं आ रहा, वो सब उखेड़ के रख दिए इन लोगों ने। हाँ, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो उन लोगों ने तो बहुत कुछ बनाया है, जिन लोगों ने कुछ बनाया था उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे, ये लोग तो खा रहे हैं दोनों हाथों से खा रहे हैं। क्या बात है, सामने बिल्कुल सामने से, हम थोड़ा ही डरते हैं किसी से, हम तो अपना कमाते खाते हैं। आप बिल्कुल सही है, डरने वाली क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, बंदे को इंसान को हक की बात करनी चाहिए। नहीं तो क्या समझते कि बेटी और तमाद रिहा हो जाएंगे, रिहा कर दिए क्यों नहीं होंगे, होंगे, ये सब झूठ है इनका, ये ऐसे चकमे में डाल रहे हैं वो इलेक्शन की खातिर, किसी को क्या बदनाम कर रहे हैं, क्या वो बदनाम नहीं हो रहे हैं उनका, ऊपर अल्लाह साथ देने वाला है। बिल्कुल सही बात है, अल्लाह साथ देने वाला, अल्लाह साथ देने वाला, वो बेईमान नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वो बेईमान नहीं है, अल्लाह उनका साथ, गरीब के लिए उन्होंने सोचा है। बहरहाल
हमें इससे क्या लेना देना है, गिरफ्तारियां हुई हैं, रिहा भी हो जाएंगे। ऐसे टोपी ड्रामा है, टोपी ड्रामा है, अगर तुसी पाई भी नहीं टोपी तो फिर टोपी ड्रामा है। जिंदगी च कभी टोपी पाई भी सिर तक नहीं? नहीं पांदे रहे कदे कदे। सही बात है। बहरहाल टोपियां डालते रहे भाई एक दूसरे को, नो प्रॉब्लम, ये टोपी ड्रामा है सारा, एक दूसरे को टोपियां घुमाते रहे। और हमारा काम तो होता है कि आप तक न्यूज का पहुंचाना और लोगों के कमेंट्स पहुंचाना, आपके आंसू चुराना, आपके चेहरे पे हंसी लेकर आना। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारे, कभी किसी की दिल आजारी मत करें, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटे, मोहब्बत बांटे और मोहब्बत हासिल करें। बिल्कुल। और मसलियां चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट्स करते रहे और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, साथ है।